नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल। मैं हूं शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है कपल वाला रिएक्शन। गाइस आज की वीडियो ऑफिशियल वाई ऑफिशियल चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है द कंप्लेंट शिकवा अलामा इकबाल दिरिल अर्तुरुल बाय इन हिंदी उर्दू। तो ये भी एक अलामा इकबाल की शायरी पोएट्री है, शायरी, राइट। तो वैसे ये मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे जो चैनल का नाम है वो मैं वाई बोल रही थी, वो वाई कुछ साइन है, उस साइन का प्रॉपर कोई नेम है, मुझे लग रहा है आई आई वाई आई ऐसे पढ़ा जा रहा है। नहीं क्योंकि ना ऐसे अर्थरूल सीरीज में कितनी बार मैंने वो जो था ना उनका फ्लैग फ्लैग के ऊपर ये बना होता है। हाँ, काई काई कबीला। अच्छा, काई कबीला। तो हो सकता है अब तो सीरीज देखे भाई, अब तो नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है, सीरीज देखे हमने, नॉलेज है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो अगर हम लोग सही नहीं है तो आप हमें करेक्ट कीजिए। नहीं, हम बिल्कुल सही है, मैं पूरा श्योर हूँ। काई काई कबीले का ब्लू कलर का झंडा होता है, बीच में व्हाइट कलर में वो लिखा होता है, लिखा होता है। हाँ। तो इसको बोलते क्या है? काई कबीले का साइन है ये। हाँ साइन है लेकिन इसे प्रॉपर कुछ नेम दिया होगा इन्होंने, इंग्लिश में तो वाई पढ़ा जा रहा है, काई काई है वैसे ये। अच्छा, काई काई कबीला, ठीक है। तो गाइज ये वाई ऑफिशियल चैनल से है तो, या कई ऑफिशियल जो भी आपको खुद लगे, तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। साज़ खामोश है, फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, खूगरे हम से थोड़ा सा गिदा भी सुन ले। थी तो मौजूद अजल से ही तेरी ज़ात क़दीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परीशां थी शमीम। शर्त इंसाफ है ऐ साहिब अल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीब। हमको जमनियत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर। उगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अंधे के खुदा को क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। बस रहे थे यहीं सलजूक भी दूरानी भी, अहले चीन चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। थे हम ही एक तेरे मार का आराम, कुश्तियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलिमा पढ़ते थे हम छाओ में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेगजनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माल जहां पर मरती, बुत फरोशी के इवज बुत शिकनी क्यों करती। डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, तेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि
उखाड़ा दरे खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतिशकदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार और तेरे लिए ज़हमत कशे पैकार? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकदीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे? मुंह के बल गिर के हू अल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा वो साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौनो मकाम सहर व शाम फिरे, नए तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे। कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफाए बहस को बातों को मिटाया नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये दिला है वफादार हम वफादार नहीं, तू ही तो दिलदार नहीं। दो तीन बार दिख गया मैं वो निशान है, स्टार्टिंग में एंड में मिड में बीच में दिखा था ब्लू कलर का, उसमें वाइट कलर का वो था। हाँ तो द कंप्लेंट करके था, ये बहुत जबरदस्त था कि एक तरह से शिकवा शिकवा होता है शिकवा एक तरह से। और जो शायरी थी ना वाक्य में यार, अब मना सुनना पड़ेगा अलामा इकबाल को ना सुनना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। क्या शायरी थी अलामा इकबाल की, और जो ये किसी भाई ने नाम भी बताया था इनका, जो ये अपनी जुबान में बोल रहा है, जिनकी इतनी अच्छी आवाज़ है ना, इनकी इतनी दमदार आवाज़ है, सुनने में इतना मज़ा आ रहा है ना, इनका नाम किसी भाई ने बोला था, मैंने पढ़ा था बट माइंड से स्किप हो गया। बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी, रोब वाली लग रही है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी रोब वाला जो होता है ना, जैसे एक वो था एक एक्टर था, क्या नाम है उसका, मुकाम्बो खुशवा में, क्या नाम था एक्टर का, अमरीश पुरी जैसे उसकी आवाज थी ना, एक अलग ही आवाज थी। अमरीश पुरी और एक ओम प्रकाश वाली आवाज, उनकी उनकी बहुत दमदार आवाज होती थी। हाँ, अलग ही आवाज होती है, कशिश है उनकी आवाज में भी, तो सेम ऐसी लगती, बट इन्हों की आवाज यहाँ पर सूट बहुत सही कर रही थी। ये जो शेर व शायरी है ना, पढ़ते हुए कब पोज लेना है, कब किस वर्ड पे जोर डालना है, वो चीज अच्छी लग रही थी, सुकून मिल रहा था। ऊपर से इन्होंने दिखा दिया आर्थरूल की सीरीज दिखा दी, और उस पर बाकी चीजें दिखा दी, और अच्छे अच्छे सीन दिखा दिए, और कुछ नए चेहरे थे जो इवन मैंने नहीं देखे अभी पार्ट 3 पे 62 63 पे हूँ मैं तो, बट वो नए चेहरे मैं नहीं देखे मैंने, बमसी तुरगुत और एक और क्या नाम था, एक और मेनली इनकी जो इतनी ज़्यादा जंगें होती थी वो दीन को लेकर के होती थी, या फिर वो कबीलों आपस में कबीलों को लेकर की होती है ना, वो तो खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलती आई हैं। तो मुझे हमेशा जैसे बीच में कितनी बार देखा ये सीन की बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें थी, सजदा कर रहे हैं, तो वो वहाँ से मेरे को चीज़ें समझ में आती हैं। तो सीरीज़ थोड़ी सी मैंने भी देखी है, तो वहाँ से मेरे को चीज़ समझ में आती है कि दीन के लिए ये सब जंगें होती थी। बिल्कुल, है ना, काफ़ी बार होता दीन के लिए कि खासकर यहूदियों के साथ होती थी, क्रिश्चियन के साथ होती थी। अब यहाँ ये जो यहाँ आर्थरुल जो सीरीज है, यहाँ भी कितनी बार उनसे हुई है, क्या ईसाइयों से हुई लड़ाई। हाँ,
तो अच्छा था गाइस, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी देख के, मतलब मज़ा आ गया देखकर। बिल्कुल, तो चलते हैं गाइस, वाई ऑफिशियल चैनल से थी ये वीडियो, आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनके चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।